है आपके मंदसौर जिले में, एक बार किसानों को यहाँ का परिचय बता दीजिए आप। मोहित पाटीदार, गांव पहेड़ा, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। सर आपका? ललित पाटीदार, गांव पहेड़ा, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। कितने पौधे आपके? ये 700। 700 पौधे। कितने अभी मंथ के हो गए? ये 16 महीने। 16 महीने जी। क्या बात करें, 15 से 16 महीने। सर अभी हम पूरा राजस्थान देखे आए, लगभग 10-15 दिन से हम घूम रहे आपके राजस्थान में, हर जगह पे विजिट की, चाहे जालौर हो, बाड़मेर हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, बीकानेर हो, जैसलमेर हो, यानी सभी जगह पे विजिट की। लेकिन हमने ये अभी कितने महीने के पौधे बोले आपने? 16 महीने। 16 महीने के। 16 महीने का पौधा दिखता है इतना इतना जी। कितना? इतना सा। हमने लगभग 1 फीट का 10-15 दिन में लगभग 4.5-5 लाख अनार के पौधों को विजिट की। लेकिन ये जो पौधे है ना, यहाँ पे कुछ अलग ही दिख रहे हैं, और इन पर ट्रीटमेंट जो स्प्रे का है वो आज से 6 महीने पहले किया था। क्या बोल रहे हैं? और अभी तो मैंने किया नहीं। यानी 6 महीने से एक भी छिड़काव नहीं किया? स्प्रे किया नहीं वो है। फिर आप वीडियो में देखो, वीडियो में दिखेगा आपको। सर किसान 15-15 महीने के, हमने अभी एक्सपीरियंस भी देखे राजस्थान में, किसान खुद बोल रहे कि 15-15 महीने के बगीचे के ऊपर हमने 1 लाख रुपए छिड़काव कर दिया, यानी खर्च कर दिए, फिर भी कोई भी आउटपुट नहीं है। अगर हमने ऐसा समझा कि ये बगीचा हम पकड़ेंगे, तो अभी आपको क्या लग रहा है, ये आएगा इस बार? अभी फ्लावरिंग तोड़नी पड़ी हमको। कितने बार फ्लावरिंग तोड़ते हो? हमने तो 2-3-4 बार तोड़ दिए लगभग। अभी लगभग फ्लावरिंग आती रहती है, आप तोड़ते रहते हो? अभी ज्यादा हो, अभी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था जैसे अपने बाहर ले रहे हैं। इतनी फ्लावरिंग आती है, वो आप उसको तोड़ाते थक जाते हैं। ओके ठीक है ठीक है। पौधे का तना, उसके बाद कैनेपी, उसके बाद नई फुटान, ग्रोथ जो है वो हमने रोक रखी है। क्यों? अभी साहिल सर ने अभी हमसे बोला था थ्रिप्स, तो थ्रिप्स हमने जानबूझ के इस पर रखे क्योंकि इसकी ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि ज्यादा ही ग्रोथ हो रही थी। ज्यादा ही ग्रोथ हो रही थी तो इसकी ग्रोथ और ज्यादा हो सकती थी, लेकिन अभी हमने होने नहीं थी। सर ग्रोथ के लिए किसान तरसते है जी, रोक रहे हैं, रोक रहे क्योंकि जो तना का जो स्टोरेज है वो हमें बढ़ाना है, वो तने को जो मोटा करना है। अभी भी देखो ना, तना चमक रहा है आपका, देखो एकदम पूरी तरह से खचाखच उसमें स्टोरेज भरा है, चमक रहा है। और पत्ते एकदम ग्रीन है, एकदम हरे भरे। वो स्प्रे इसमें 6 महीने हुए किया नहीं है, नहीं तो और भी अच्छे रहते हैं। अभी टेम्परेचर यहाँ पे कितना जाता है? 6 डिग्री लास्ट, माइनस 6 डिग्री में जाते हैं, और कोहरा भी गिरता है। इतना 6 डिग्री तक टेम्परेचर भी जाता है, कोहरा भी जाता है। आपको ऐसे मन में ऐसी कोई डाउट वगैरह नहीं आता क्या, इस पौधों को स्प्रे वगैरह करना चाहिए? नहीं, नहीं, नहीं। क्यों? इतने कॉन्फिडेंस कैसे है? ताकत इतनी दे रखी है नीचे से, ताकत दे रखी, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम। किसान अभी जलन जलेगा नहीं मन तो क्या है आपका, क्या है मन में, क्या है इसको छिड़काव करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अभी तो कोई कोई जरूरत नहीं, ताकत दे रखी है पूरी। अभी कितने इससे आगे कितने महीने तक छिड़काव नहीं करेंगे? 1-2 महीने भी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। सर आप रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे अनार का, छिड़काव करने की जरूरत ही नहीं। यानी आप अभी कितने महीने हो गए छिड़काव नहीं किया? 6 महीने। 6 महीने और भी आप बोल रहे हैं कि अगले कितने महीने? 6 महीने भी नहीं करेंगे, 2 महीने भले 3 महीने भी नहीं करेंगे हम इस पे करने की आवश्यकता, बस जो भी नीचे से करेंगे, मतलब करेंगे ही नहीं, लेकिन हमें पता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी। पौधा अगर ऐसा दिख रहा है क्या जरूरत है और नीचे से हम और ट्रीटमेंट करने वाले हैं अभी अभी सोइल चार्जर के द्वारा, अभी हमने सिर्फ कैल्शियम रड डाला है। यानी जब ये सिटी वैदिक से आप जुड़ते हो तो राम सर किसानों को हर एक बात बोलते की आप मिट्टी के ऊपर कार्य करो। आपने क्या किया? मिट्टी पर कार्य, और उसका नतीजा मिल गया। करने की जरूरत नहीं ऊपर से ज्यादा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पौधे आपने आप खुद का खाना भी बनाता है, खुद का खाना खुद बनाता है, उसके बाद ये जो थ्रिप्स वगैरह है उसको भी टेकल कर लेता है, सब हो जाता है, उनको भी खाना देता है। यानी किसानों को क्या है, जैसे कि राम सर हर एक एग्जांपल देते हैं कि अगर किसान के जेब में पैसे होंगे तो वो क्या करता है, घर भी बांध लेता है, सब और इच्छाएं पूरी कर लेता है, और उसके बाहर का कंपाउंड भी कंप्लीट कर लेता है, लेकिन पैसे नहीं तो घर ही मुश्किल से बांधता है। अगर आपके पौधे के पास स्टोरेज है तो पौधा पूरी तरह से स्ट्रांग रहता है, उसके बाद उसके ऊपर जो थ्रिप्स वगैरह है उसका भी वो पोषण करता है। आप ऐसे बोल रहे हैं कि आप खुद बीमारी को बुला रहे हो जी। अगर केमिकल का स्प्रे कर देंगे तो पक्का आपको हर महीने स्प्रे करना ही है, आपको हर 10 दिन में स्प्रे करना है। चक्रव्यूह है केमिकल वाला होगा, किसानों को ये समझता नहीं, ये तो समझाना है। इस प्रकार की चीजें हैं जो आपको एक बार स्प्रे किया आपने तो फिर तो आप चक्रव्यूह में फंस गए। अनार के बगीचे में किसान
बीमारी के ऊपर काम करके करते थकते हैं और आप खुद बीमारी बुलाते हो, बीमारी क्या बात कर रहे हो यार आप, कि सर आपको पागल समझेंगे। बिल्कुल शुरुआत में सब पागल ही, आइंस्टाइन को भी सब पागल ही समझते थे, क्योंकि हम काम ही मिट्टी के ऊपर कर रहे हैं, पोषण के ऊपर काम कर रहे हैं, तो पूरी तरह से पौधे स्ट्रांग रख रहे हैं। और जैसे कि पैदा महीने में एक भी छिड़काव नहीं किया, मिट्टी से क्या कह दिया आपने इसको? कृषि अमृत दिया। कितनी बार दिया? एक ही बार। एक बार दिया। कब दिया था? अभी एक महीना हुआ। एक महीना हो गया कृषि अमृत डाला था। 15 महीने के पौधे को 1 kg कृषि अमृत डाला था। और आज से 6 महीने पहले 4 स्प्रे कर रखे हैं इस पर। क्रॉप चार्जर किया था, क्रॉप फ्रूट चार्जर, तब से इन पौधों में चमक और ग्रोथ। और वो आपने आपका एक्सपीरियंस बताया था जब आपने ये अनार के ऊपर पहला छिड़काव किया था, वो किसका किया था? क्रॉप चार्जर। क्रॉप चार्जर पत्ते चमक रहे थे वो पता हो आपको। आप क्या बोल शाइनिंग एकदम शाइनिंग आप क्या बोल रहे हो? शाइनिंग तो एकदम लाजवाब थी। आप क्या बोले कि इसमें क्या डाला है आपने? मैंने बोला था क्या है जो मधुमक्खियां भी बार बार बहुत ज्यादा मात्रा में थी छिड़काव करने के बाद, जो मधुमक्खियों की संख्या थी वो भी इस बगीचे में अभी भी फ्लावरिंग थी, तो मधुमक्खियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। क्यों थी? केमिकल ही नहीं है तो उनको भी मजा आ रहा था। मजा आ रहा था। बहुत मधुमक्खियां। क्या बात है, किसान को बगीचों में मधुमक्खियां देखने को मिल रही है फ्री में। यानी ये सिटी वरी की तरफ से अगर आप गए तो पूरी तरह से ये प्रकृति के साथ पूरा हम जाते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से मधुमक्खियां भी आते हैं, जो हमारे दुश्मन है थ्रिप्स वगैरह उनका भी निजात कर लिए। जो मित्र कीट है वो उनको खत्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जैसे कि लेडी बर्ड बीटल होगा, वो भी आपको आपके पौधे के ऊपर देखने को मिलेगा। कई कई वो भी बहुत रहते हैं, बहुत रहते हैं। और क्या बात है, यानी शत्रु कीट तो रहती है, उसको मित्र कीट रहता है तो वो खत्म कर देते हैं। स्प्रे करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और मिट्टी के बारे में, जड़ों के बारे में क्या कहना है आपका? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं इसमें, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। निमेटोड के लिए बहुत किसान खर्चा करते हैं, बहुत करते हैं। कॉल आते हैं हमारे पास, क्या करना है? आपने क्या कुछ प्रेशर डाला है? नहीं, कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। तो फिर क्या 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 डाला मिट्टी से? लिमिटेड के ऊपर स्पेशल आपने क्या? नहीं, कुछ किया नहीं, क्योंकि आए नहीं हमने, आया ही नहीं। कृषि अमृत डाल रखा था, कृषि अमृत और जो बेसल डोज हमने इसीलिए चुना था कि, और गोबर खाद डालते नहीं हम, कच्ची वाली वो। ये टोटल से भी कितने पौधे बोले आपने? 700 पौधे में 15 महीने में, ऐसा कोई बगीचे में एक भी पौधा डैमेज हुआ है क्या आपका? नहीं, 700 लगाए थे अभी तक। और शुरुआत से आपने सिटी वैदिक का इस्तेमाल किया था, ऐसे बीमारी के कारण खत्म हो जाए ऐसा तो एक भी पौधा नहीं मिलेगा आपको पूरी। यानी ये सिटी वैदिक पोमोग्रेनेट बीमारी में एक भी पौधा ऐसा नहीं मिलेगा आपको। क्या बात है, यानी बीमारी प्लॉट के ऊपर आएगी नहीं। ऐसे तो किसान बोलते हैं कि 700 पौधे लगाए तो उसमें 50 मर गए, 20 मर गए, 100 मर गए, ये तो फिक्स सुनने को मिलता है कौन सी भी क्रॉप हो, लेकिन अपना तो एक भी पौधा नहीं। 101% सक्सेस ही है। और जो नया बगीचा है जो ऑरेंज का, उसमें भी हमने ये रखा था 300 पौधे हैं, तो 300 में एक भी नहीं मरना चाहिए, वो लक्ष्य था। तो एक भी पौधा आपको ऐसा डैमेज नहीं मिलेगा और कमजोर नहीं मिलेगा। आपने कमजोर पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था क्या? कौन सा? वो आपने वीडियो बनाया था उसको? हाँ, वो तो बिल्कुल मतलब क्या क्या किसान परेस्ते जिंदा, आपने डायरेक्टली वो पौधा मर गया था, मर गया था वो टूटा हुआ, फिर भी वो अभी तो ठीक हो गया। कितना अच्छा हो गया वो 6 महीने में, वो 6 महीने में बराबर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। 3-3 किलो डाल रखा कृषि अमृत हमने उसमें एक पौधे को। हाँ, 3-3 किलो और अपन ने सोयाबीन में डाला है, फिर मेथी में डाला है, तो उसमें तो पूरा पोषण भरपूर मिल रहा है उनको। और वो पौधा कैसा हुआ? वो पौधा कोई दूसरा होता तो कहता खत्म हो गया, खत्म हो गया। हमें तो पता था कि वो उसको करके देखेंगे। यानी जो पौधा मर गया है वो भी जिंदा हुआ है। जिंदा हो गया जी, क्या बात है। किसान तरसते हैं, किसान डायरेक्ट उखड़ दे खत्म हो गया है तो। लेकिन आपने ये सिटी वैदिक की थी जी ताकत से उसको पूरी तरह से पुनर्जीवित कर दिया। बिल्कुल ओके। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान बागवानी की तरफ फोकस नहीं करते, उनका ध्यान रहता है सोयाबीन गेहूं के ऊपर, अलसी होगी, उसके बाद कलौंजी होगी, सब तरह की दूसरी फसलों पर ज्यादा ध्यान है, प्याज है, लहसुन है, प्याज है, लहसुन है। अलग अलग एरिया में सभी किसान यानी उनका काम कर रहे, लेकिन सभी का फोकस सिर्फ इन फसलों के ऊपर है, क्योंकि किसान को मतलब 5-6 महीने में फसल तैयार हो जाए, 4 महीने के अंदर इसमें सब्र, 2 साल तो अपना ये एफडी की तरह है, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। क्या बात है, 3-4 साल जब भी देगा बहुत अच्छा है। क्या आपको क्या अनुमान क्या है आपके एफडी से? मतलब बहुत आनंद आने वाले समय में, ऐसा कहने वाले जी। ये सिटी वैदिक जो
नंबर वन बगीचा है आपका। ऑरेंज का नंबर, बगीचा का नाम क्या है? एससीटी वधिक ऑरेंज ऑर्चर्ड। और ये नंबर वन है, और नंबर वन, और ये आने वाला नंबर वन एससीटी वधिक नंबर वन, और अच्छा पोमग्रेनेट बगीचा। हां पोमग्रेनेट, क्या बात है। तो हम मध्य प्रदेश के किसानों को यही कहना चाहते हैं, मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे जो अभी सब वीडियो देख रहे हैं उनके लिए यही कहना चाहते हैं कि आप खेती कर रहे हो, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के किसान जो कैश क्रॉप है, जैसे कि गेहूं होगा, उसके बाद आपके यहाँ सोयाबीन भी होती है, कलौंजी अलसी वगैरह, ये फसलें ज्यादा करती है। अगर आपने इस बागवानी की तरफ भी किया, इस सिटी वैदिक के साथ बागवानी की खेती की, तो आप 101% सक्सेस हो सकते हैं। आपको क्या कहना है किसानों को? बिल्कुल 100% सक्सेस होंगे। और इसमें ये भी है कि जो आपका बगीचा है वो 15 से 20 साल आपके निकाल देगा, आसानी से खराब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आपकी जिंदगी निकल जाएगी, जिंदगी निकल जाएगी आपके बगीचे में। शुरू में मेहनत है 2-3 साल, फिर जिंदगी निकल जाएगी आपके, तो इसमें डायरेक्ट आराम से, आराम से। अगर आपने ये सिटी वैदिक के साथ, वैदिक के साथ किया तो ही होगा, नहीं तो केमिकल के साथ जिंदगी जाएगी। अब शुरुआत जो शुरू में जो ऑरेंज के बगीचे जो नया लगा है उसमें अनार, इसमें हमने भी मेहनत की, और अभी तो मतलब कुछ ज्यादा काम ही नहीं है, क्योंकि शुरू में अगर आप मेहनत कर लेंगे और वैदिक के द्वारा अब इसमें ज्यादा बीमारियां भी ना, इसके जैसे स्प्रे करने की भी कुछ जरूरत नहीं है। अगर हम केमिकल का छिड़काव कर देते हैं तो एक बार केमिकल का छिड़काव किया तो चक्रव्यूह में फंस जाते, सही है। फिर तो वो बीमारियां आती रहती, आते रहो। सही, तो 15 महीने में कितने बार आपने छिड़काव किया? 3 बार। हाँ, 3 बार, वो भी 6 महीने। 15 महीने में आपने कितने बार वेसल दिया? एक बार ही दिया। और उसके बाद सोइल चार्जर आपका लगातार जा रहा है? सोइल चार्जर अभी तक नहीं दिया, अब करेंगे। अब नीचे इस बगीचे में सोइल चार्जर भी अभी तक तो नहीं दिया, सिर्फ कृषामृत के और छिड़काव के ऊपर के रिजल्ट है। अगर आपने इस बगीचे को 15 महीने में 100% वैदिक की तरफ यानी शुरुआत से, तो पौधा कितना तगड़ा होता आपका? और अच्छा होता, और अच्छा होता। 15 महीने में आपने इस बगीचे के ऊपर कितना खर्चा कर दिया? इसमें तो बहुत कम हुआ खर्चा, हुआ है कितना? खर्चा तो क्या, अभी 14 बैग ही डाले हो क्या? बस 14 बैग, 8,000 का खर्चा, 7-8,000 का खर्चा, 10,000 मान लीजिए 15 महीने में, 10,000 खर्चा। अब दवाई बात मत करो यार किसान, अभी आप एक एक बात ऐसी कर रहे हो, किसान कुछ भी बोलेगा फिर। अब जो सत्य है वो सत्य है, क्या कह सकते हैं। सही है। तो जो किसान मध्य प्रदेश में अनार की खेती नहीं करते, उसके बाद बागवानी नहीं करते, उस किसानों को आप दोनों क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि बागवानी में आइए आप, और एक बार आने के बाद आपके 20-25 साल आप सेव कर लीजिए। सेव कर लिए, बिल्कुल। यानी आना है तो कैसे आओ? सिटी वैदिक के साथ। अगर आप बागवानी में आए लेकिन गलत रास्ता गए, के साथ आओगे तो फायदा नहीं, तो ही फायदा मिला, क्योंकि वो लंबे समय तक आपको आमदनी देगा, पूरा आमदनी पता ही है लोगों को। फिर अनार के बारे में, अनार संतरा, बच्चे बच्चे को पता है, बच्चे बताने जरूरी है। यहाँ पे किसान जब विजिट के लिए आते हैं बगीचे में, अभी बहुत किसान आपका ऑरेंज बगीचा भी देखने के लिए आते हैं, तो ये अनार का बगीचा साथ में देख लेते हैं। हाँ, जो देखते हैं, हाँ। तो लग नहीं रहा इतना कम, मतलब 16 महीने का पौधा, ये तो किसान भी शौक हो जाता है। हाँ, 16 महीने शौक हो जाते हैं। और यहाँ पे जो जैसे कि फूल तोड़वाने के लिए वो जो आते हैं मजदूर वगैरह, उनका क्या कहना है? उनका तो आनंद में रहते हैं वो तो, बिल्कुल, क्योंकि यार पिछली बार आए थे तो बहुत छोटे थे, फिर बड़े, मतलब जो घर थे वो रुकी नहीं रही, नॉन स्टॉप, मतलब स्टोरेज इतना है जो प्रकृति के साथ संतुलन बना के एकदम बड़ा होता ही जा रहा है वो। 15 महीने में आपने बीमारी के ऊपर कितने छिड़काव किए? नहीं, बीमारी ऊपर किए नहीं, जो 4 स्प्रे भी किसान बोलेंगे ये कुछ भी बातें कर रहे हैं। जो 3 स्प्रे भी हमने किए थे वो बीमारी के कारण नहीं किए थे, वो इस कारण किए थे कि क्रॉप का समय आया तो क्रॉप चार्जर किया था। ऐसा नहीं कटिंग की थी तो फंगी क्लीनर का कटिंग करने के बाद किया था। ऐसा नहीं कि बगीचे में फंगस ही आ गए, वो भी आ गए, फिर कर रहे, तो फिर उसमें रिजल्ट मिलने में आपको दिक्कत आती। आने मत दो ना, समय में करते रहो। अभी क्रॉप को जरूरत है तो क्रॉप के लिए करो, पत्तों को जरूरत है पत्ते के लिए करो। सही बात है, बीमारी आने 15 महीने में बीमारी के ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं किया, पौधे भी खत्म नहीं हुआ, पौधे भी खत्म नहीं है। अनार ऐसी चीज है, थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई कि पौधा खत्म हो जाता है, क्या कह सकते हैं। अच्छा लगा आपको बगीचे में आकर। तो जाते जाते किसानों को एक बार अच्छी तरह से आप सलाह दो, और अनार के बगीचे में अगर खेती करनी हो, बागवानी में मध्य प्रदेश के किसानों को आना हो, तो क्या क्या करना चाहिए? जैसे कि आप दोनों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बागवानी की तरफ फोकस कर रहे हो, आपके यूट्यूब के जरिए, सिटी वैदिक आपका जो यूट्यूब चैनल है उसके जरिए बहुत सारे किसानों को भी गाइडेंस कर रहे हो, हर एक स्प्रे का छिड़काव का वीडियो डाल रहे हो, हर एक स्टडी का वीडियो डाल रहे हो,
आपका जो मोटो है, हर एक किसान को ये जानकारी मिलनी चाहिए, किसान भी सक्सेस होना चाहिए, तो अभी हम डायरेक्टली आपके साथ है, तो आप पूरे जो आपके यूट्यूबर है, जो आपके फैन है, उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? उनको यही सलाह देना चाहिए कि आज के नहीं 27 दिसंबर जो हमारा पहला है, बजे 7:37 तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल पर जो पहला वीडियो आया था वो भी 31 दिसंबर को आया था, एक साल होने और जो पहला वीडियो देख सकते हैं उसमें मैंने यही बोला था कि जो भी किसान हताश है, जो हताश है और मतलब उनको ऐसा लगता है कि खेती से भागने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, तो उनके ऊपर ही हम काम करेंगे। और ऐसे ऐसे करते करते एक दो महीने बाद ही शायद तक एससीटी वैदिक से हम जुड़ गए थे। आपने पहला वीडियो डाला था यही इसी के बारे में डाला था, मतलब कि इसके बारे में कुछ नई टेक्नोलॉजी अगर हम कुछ करते हैं तो इससे किसानों को फायदा हो, सब बताएंगे। और कुछ समय बाद ही एससीटी वैदिक हमें मिल गई थी, तो जो जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, और उसके बाद हम एससीटी वैदिक से जुड़े। और आज जितने भी किसान हैं वो अगर बागवानी में आना चाहते हैं तो एससीटी वैदिक के माध्यम से आएंगे तो लंबा टिकेंगे, और केमिकल के द्वारा करेंगे तो एक बार उनको आमदनी जरूर मिल जाएगी, लेकिन फिर एफडी नहीं आएगी, हाँ एफडी नहीं आएगी, फिर पूरा हिसाब देखेंगे तो नुकसान ही होगा, नुकसान ही होगा, तो ऐसा है। ओके, तो एक बार किसी किसान को आपको कॉन्टेक्ट करना हो तो आपका नाम और मोबाइल नंबर बताइए। नाम मोहित पाटीदार और कॉन्टेक्ट नंबर 8963925779 और डिस्ट्रिक्ट मंदसौर एमपी। गांव कौन सा है? पहेड़ा। पहेड़ा सर आपका? ललित पाटीदार, गांव पहेड़ा, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर है 7587532503। हम जब आपको देखते हैं तब जब भी कॉल करते हैं तो बोल रहे कि यार सर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम चल रहा है, आपका क्या काम चल रहा है हमें बताओ थोड़ा। ये काम हमारा ये चलता है कि वही स्लरी देना, सोइल चार्जर देना, यानी आप 100% एससीटी वैदिक में जी। अभी तो हम फसलों पे कर नहीं रहे, फसलों पर मेरे को लगा टाइम ही नहीं, हाँ टाइम ही नहीं, अभी 9:30 बजे लाइट आ रही, भी पिलाने जाना पड़ता। सही, किसान खेती में जाने के बाद किसानों को ऐसा लग रहा है, डर लगता है कभी, डर यानी परेशान होते हैं, रिस्क है इसमें, रिस्क से क्या जाना है, उत्पादन नहीं मिल रहा, खर्चा ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप इतने आनंद से खेती कैसे करते हो? अगर प्रकृति के साथ संतुलन बना के करोगे तो प्रकृति भी आपका ध्यान रखेगी। थोड़ा टाइम भी लगता है, कुछ चीजों में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। सही है, किसान क्या करते हैं यकीन नहीं करते, किसान केमिकल के द्वारा उनको आज छिड़काव किया कल रिजल्ट मिल जाए, कल फल मिल जाए, कल पैसा मिल जाए, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाती है। जो चीज जल्दी मिलेगी तो वो जल्दी चली भी जाती है, और जो समय लगता है जिस चीज को वो लंबे समय तक भी टिकती है। सही बात, एसिडी वैदिक के द्वारा लंबी अपडेट लंबी अपडेट कर सकते हैं आपकी पूरी जिंदगी बागवानी में। बिल्कुल, ओके, धन्यवाद धन्यवाद।